आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग को चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे ये दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब्स टू आर स्क्वायर, आपको जो दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब से आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे समझें कि ये आपके पास जो है ये आर क्यूब है और ये जो है आर स्क्वायर है, ये क्या है आर स्क्वायर। यहाँ से जो टर्म्स निकल के आएगा ये आपका थ्री डायमेंशन में टर्म्स निकलेगा और वहाँ पे आपका टू डायमेंशन में जाएगा। मतलब अगर यहाँ से एक्स वाई जेड निकल जाए तो वहाँ पे आपका क्या आ जाने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन होकर जेड टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम लोग यू ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे यू लेंगे इसमें तो लेते हैं लेट यू इक्वल्स टू क्या लेते हैं एक्स वन वाई वन जेड वन और वी इक्वल्स टू क्या लेते हैं एक्स टू वाई टू और जेड टू, ये ले लिए हम। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसमें, तो आप देखें ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होगा, एक्स वाई जेड का ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या है। तो अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है आपका एक्स वाई जेड, तो ये क्या रूल है आपका जेड टू एक्स प्लस वाई, ये आपका रूल है। तो पहला पॉइंट क्या चेंज हो जाएगा आप देखें यहाँ, तो टी एक्स वन ये क्या होगा वाई वन और ये क्या होगा जेड वन, तो ये क्या हो जाएगा आपका जेड वन हो जाएगा और ये आ जाएगा क्या टू एक्स वन प्लस क्या आ जाएगा वाई वन, ये आ जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे टी एक्स टू वाई टू और जेड टू, ये क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा जेड टू और ये आ जाएगा क्या टू एक्स टू प्लस क्या आ जाएगा वाई टू, ये हम लिख दिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे टी यू प्लस वी निकालना है, टी यू प्लस वी। टी यू प्लस वी का मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टी लिखेंगे और यू प्लस वी मतलब दोनों को ऐड करेंगे। तो यू का वैल्यू जो है फर्स्ट फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होगा, सेकेंड सेकेंड टर्म के साथ होगा और थर्ड थर्ड टर्म के साथ ऐड होगा। तो क्या आ जाएगा आप देखें, पहला यू क्या है आपका, हम यहाँ पे लिख देते हैं यू क्या है एक्स वन है वाई वन है और क्या है जेड वन है, फिर प्लस फिर क्या है एक्स टू है वाई टू है और ये जेड टू। अब इसको ऐड करें तो ऐड करेंगे क्या होगा बताइए आप, टी ये आ जाएगा क्या एक्स वन प्लस एक्स टू, फिर होगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस सॉरी फिर क्या होगा ये आपका एक्स वन प्लस एक्स टू आ जाएगा आपका, ये ऐड हो रहा है। ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं पहले इसका, ये वाई वन प्लस वाई टू और ये क्या होगा जेड वन प्लस जेड टू। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के रूल में लगाएंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या है आपका, ये जेड का वैल्यू निकलेगा, ये वैल्यू टोटल जो होगा एक्स निकलेगा, ये वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे एक्स कहेंगे, ये वैल्यू को क्या कहेंगे वाई कहेंगे और ये वैल्यू को जेड। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या दिया है देखें जेड कोमा टू एक्स प्लस वाई, तो जेड कोमा टू एक्स प्लस वाई मतलब पहले जेड का वैल्यू लिखेंगे हम लोग, तो जेड का वैल्यू कितना है देख रहे हैं यहाँ पे, देखें यहाँ पे इस चीज़ को देखें जेड का वैल्यू कितना है यहाँ पे जेड वन प्लस जेड टू, तो इसको लिखिए आप जेड वन प्लस जेड टू, ये हो गया आपका ये टी का काम हो रहा है। नेक्स्ट टू एक्स वन टू एक्स प्लस वाई वन टू एक्स प्लस वाई, तो टू एक्स के जगह ये वाला आ जाएगा पूरा टू एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा आपका टू एक्स मतलब क्या होगा टू एक्स वन प्लस क्या होगा टू एक्स टू प्लस वाई वाई के हम यहाँ पे क्या है वाई वन प्लस वाई टू, सो वाई वन प्लस क्या है ये वाई टू। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होके आ गया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या हम लोग टी यू प्लस टी वी में लिख सकते हैं वो चीज़ देखना। ठीक है, टी यू प्लस टी वी मतलब होगा टी यू का वैल्यू आप देखें टी यू कॉस्ट टू क्या है जे टी यू कॉस्ट टू क्या है, ये आपका टी यू का है, ये आपका टी यू है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वी है। अब इस फॉर्म में लिखना है हमको, मतलब हमको लिख सकते हैं देखिए, तो आप जेड वन टू एक्स और टू एक्स वन मतलब ये पहला टर्म एक लेंगे और इसका लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको पहला टर्म लिखते हैं हम लोग जेड वन और इसको लिखते हैं ये वाला दोनों टर्म ले लेते हैं हम लोग क्या ले लेंगे कोमा, क्या आ जाएगा इसका टू एक्स वन प्लस क्या होगा वाई वन। ठीक है, ये आपका आ गया आपका सॉरी जेड जेड ये आपका ये आ गया, इसको ऐसा लिख देंगे, फिर प्लस प्लस में क्या लिखेंगे जेड टू और ये है क्या होगा आपका जेड टू और इसके बाद क्या होगा इसको टू एक्स टू प्लस वाई टू टू एक्स टू प्लस वाई टू ये लिख देते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप देखें, ये वाला वैल्यू आपका वैल्यू दिया हुआ टी यू दिया हुआ, तो ये आपका टी यू आ गया और ये आपका क्या दिया टी वी दिया, ये आपका टी, इसका मतलब ये पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया।
टी यू प्लस वी इक्वल्स टू क्या आ गया, टी यू प्लस टी वी। ये आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम लोग लेंगे क्या, टी अल्फा यू इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, अल्फा इंटू टी यू। ये हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग टी अल्फा यू का मतलब होगा टी अल्फा यू, इसको हम लोग चेक करना है इसको। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं टी अल्फा यू, तो अल्फा यू का वैल्यू क्या होगा आपको बताएं, अल्फा यू जो होगा, अल्फा यू लिखते हैं, यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू लोग पुट करने का पड़े एक्स वन, यू का वैल्यू जो होगा आपका एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, एक्स वन वाई वन और जेड वन, ये आपका वैल्यू यू है। अब इसको जब वैल्यू लोग पुट करेंगे इसको, अब हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आप अल्फा को कोई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, आप इसको अल्फा को कोई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका अल्फा एक्स वन, और ये क्या होगा अल्फा वाई वन, और ये क्या होगा अल्फा जेड वन, ये आ जाएगा। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाला पार्ट आपका एक्स आ गया, ये आपका वाई आ गया, और ये क्या आ गया जेड आ गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग की ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, जेड टू एक्स प्लस वाई, तो जेड का वैल्यू कितना है पहले वो लिखेंगे, जेड का वैल्यू कितना है अल्फा जेड वन, ये होगा। और पहला क्या कोमा, कोमा क्या है टू एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई का मतलब क्या होगा टू एक्स, मतलब ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा टू इंटू अल्फा एक्स वन, और प्लस वाई, वाई की जगह में क्या हो जाएगा अल्फा वाई वन। तो पूरे में आप क्या कॉमन है देख लिया, पूरे में क्या कॉमन है आपका, आपका अल्फा कॉमन है, ठीक है, पूरे में आपका अल्फा कॉमन, तो उसको अल्फा बाहर कर ले, और यहाँ जो ब्रैकेट में बचेगा वो क्या बचेगा जेड वन, और यही बचेगा टू एक्स वन वाई प्लस वाई वन, और ये वैल्यू देखें किसका है, ये आपका टी यू का वैल्यू है, तो अल्फा ये क्या आ गया टी यू आ गया। इसका मतलब सेकेंड कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई हो गया। तो देखिए क्या है आपका एल टी में है, लिख दें यहाँ पे हेंस इट इज इन एल टी, हेंस इट इज इन एल टी, ये क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर है, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया। तो आपको यहीं पे आपको देखना, सबसे पहले हम आपको जो बताएगी आपको यू दो भी, यू और भी दो टर्म्स लेना है इसमें, आपका इन टर्म जो दिया हुआ एक्स वन वाई वन जेड वन लिए, वी इक्वल्स टू एक्स टू वाई टू जेड टू लिए, इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकाले, यू का ट्रांसफॉर्मेशन देखें इस फॉर्म में है जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको निकाले, टी यू का, फिर निकालेंगे टी वी का, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिए हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए टी यू प्लस वी, मतलब हम लोग क्या करेंगे यू प्लस वी निकालेंगे पहले, टी का काम बाद में करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, यू प्लस वी मतलब दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग कोऑर्डिनेट वाइज जोड़ लिए, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ ऐड हो गया। अब जब ऐड करने के बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेंगे, ये आपका कोऑर्डिनेट इसमें निकला हुआ, अब उसको ट्रांसफॉर्म होकर दूसरा में जाना है, इसके लिए आपका ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड है, तो ये क्या बन जाएगा जब जाता है जेड इंटू टू एक्स प्लस वाई बन जाता है, तो जेड का वैल्यू ये है और टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम ये लिख दिए। इसको मैं अरेंज कर दिए, पहला टर्म लिए और इसमें ये दोनों टर्म्स लिए एक साथ, फिर जेड टू लिए, फिर दो टर्म्स वहाँ पर लिए, तो ये किसका वैल्यू है देखें टी यू का, ये वैल्यू है टी वी का। ये आपका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। फिर सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग क्या किए, टी अल्फा यू इक्वल्स टू क्या किए, टी यहाँ पे अल्फा था, अल्फा और यहाँ पे एक्स वन वाई वन, जब इस तीनों के पूरे के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए अल्फा, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है, यहाँ पे सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। फिर इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन टी का वैल्यू, टी का हम लोग हटाना है, टी हटाने के लिए आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जेड इंटू टू एक्स प्लस वाई, सारे का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे अल्फा कॉन्स्टेंट का कॉमन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए, ये आपका एक आर स्क्वायर है और ये आपका आर स्क्वायर है, मतलब ये टू डायमेंशन का है, ठीक है, ये आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ एक्स होगा ये वाई होगा, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है इक्वल्स टू क्या दिया एक्स स्क्वायर ये वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं दो दो फैक्टर्स ले लेते हैं, लेट यू इक्वल्स टू ले लेते हैं एक्स वन वाई वन, अब वी इक्वल्स टू लेते हैं एक्स टू और वाई टू। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का रूल देखें क्या दिया हुआ है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर क्या दिया है वाई दिया हुआ है। तो अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये लिखें एक्स वन वाई वन लिखें, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वन का स्क्वायर और ये क्या होगा वाई वन, ये हो जाएगा टी यू। और अगर हम लोग इसको लिखेंगे एक्स टू वाई टू लिखेंगे तो ये क्या होगा एक्स टू और ये होगा वाई टू, ये हो जाएगा क्या टी वी, ठीक है, ये आ जाएगा।
अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसका। ये तो आ गया आपका जो बेसिक चीज था। अब हम लोग टी यू प्लस डी वी लेते हैं। तो टी यू प्लस वी मतलब हम लोग क्या करना है, पहले यू और वी को ऐड करना है। यू का टर्म्स कितना है देखिए आप, एक्स वन वाई वन। यू का टर्म्स जो है आपका वो क्या है, एक्स वन कोमा वाई वन, और दूसरा टर्म्स क्या है, एक्स टू कोमा। दोनों को ऐड करें आप, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू, और दूसरा आ जाएगा क्या, वाई वन प्लस वाई टू। अब इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब टी को हटाएंगे। जब टी को हटाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा देखिए, एक्स स्क्वायर वाई, मतलब ये वाला का स्क्वायर होगा और वाई होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला का स्क्वायर आप लिख देते हैं ऐसा, ये वाला का स्क्वायर को हम ऐसा लिख देते हैं क्या, एक्स एक ये हो जाएगा क्या, ये सर टी हट जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा क्या, एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू। इसको आप तोड़ दें पहले, तो जब इसको तोड़ेंगे आप तो होगा एक्स स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस टू एक्स वन इंटू एक्स टू, ये हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू, ये आ जाएगा। अब हमको लिखना है टी यू प्लस टी वी के फॉर्म में। तो आप देखें टी यू का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर वाई वन, तो आप लिख दे सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन, ठीक है, ये लिख देते हैं, ये लिख दिए हम। नेक्स्ट में जो होगा हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स टू का स्क्वायर, एक्स टू का स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई टू, ये क्या होगा एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक नया चीज़ आपके पास आ गया, ये चीज़ हमको चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ गया, अब इस चीज़ को देखिए एक्स्ट्रा में ये वाला टर्म्स आ गया। तो देखिए आप इसको, ये किसके साथ चाहिए, ये किसी के साथ एडजस्ट तो हो नहीं सकता है ये आपका, क्योंकि ये आपको चाहिए ही नहीं, तो ये आपको हम तो लिख नहीं सकते इसको, ये आपका टी यू, क्योंकि हमको चाहिए था ये एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन, ये तो मेरे पास है, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी है, दोनों तो मिल गया हमको, लेकिन इसके साथ हमको एक्स्ट्रा में ये मिल गया जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, जो अब ये मगर इसको ऐसा लिख दें हम, ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमको ये दोनों टर्म्स आता तो हम लोग बन जाता है, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब टी यू प्लस टी वी जो है आपका इसको लिख ही नहीं सकते, ठीक है। टी यू, ये टी यू लिखेंगे और ये आप कभी नहीं टी वी लिख सकते, ये आप टी यू लिख सकते हैं लेकिन ये आप कभी नहीं टी वी लिख सकते, ठीक है। तो ये आपका पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब लिख दें टी यू प्लस वी इज नॉट इक्वल्स टू टी यू प्लस टी वी, ये टी यू प्लस टी वी का इक्वल नहीं आया, हैंस दूसरा कंडीशन नहीं चेक करेंगे हम, इट इज नॉट इन एल टी। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, आर स्क्वायर से दिया हुआ है क्या, यहाँ पे आर पे दिया हुआ है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर से आर। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो वर्ड होगा आपका एक्स और वाई यूज होगा, और ये आपका यहाँ से यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन है हम लोग यू ले, दो टर्म्स लेते हैं हम लोग, लेट यू इक्वल्स टू क्या लेंगे, एक्स वन कोमा वाई टू, एंड वी इक्वल्स टू क्या लेंगे, एक्स टू कोमा वाई टू, ठीक है, ये ले लिया हम। अब इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन का पता होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू इक्वल्स टू क्या होगा, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू का मतलब इसका वैल्यू बिठा दें आप, यू का वैल्यू क्या है, एक्स वन और वाई वन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन होकर क्या बनता है, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, इसका मतलब बनेगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ठीक है। अगला टी यू हो गया, फिर हम लोग टी वी लेते हैं, तो टी वी में आ जाएगा क्या, टी एक्स टू और ये वाई टू आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्या आपका एक्स टू स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, वाई टू स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिजल्ट जो प्रूव करते हैं ये टी यू प्लस वी, तो टी यू प्लस वी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी लिखेंगे, यू का वैल्यू कितना है आप देखें, यू का वैल्यू जो है एक्स वन वाई वन लेंगे, एक्स वन कोमा वाई वन ये लेंगे, और प्लस क्या लेंगे, एक्स टू कोमा वाई टू, पहला पहला टर्म के साथ ऐड करें, दूसरा दूसरा टर्म के साथ ऐड करें, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा एक्स वन प्लस एक्स टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसका देखें, ये पाला का स्क्वायर, टी को हटाने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा ये वाला के पास, तो क्या होगा, हम लोग एक्स का स्क्वायर मतलब ये वाला पूरा टर्म्स का स्क्वायर होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू का स्क्वायर, वाई वन प्लस वाई टू का स्क्वायर। इसको तोड़ दें आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस टू ए बी, और अगला क्या होगा वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस टू वाई वन इंटू वाई टू। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर, इसके पश्चात क्या आ जाएगा टू एक्स वन एक्स टू टू वाई वन। अब यहाँ पे देखें, हम इसकी जगह में तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं टी यू प्लस टी वी लिख सकते हैं, इसके जगह में हम टी यू प्लस टी वी लिख सकते हैं, ठीक है ये वाले की जगह में, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा ये वाला आ जाएगा। हम लोगों को कोई जिसका काम ही नहीं है क्योंकि उसमें तो आपका आया नहीं है, तो हम लोग ये एक्स्ट्रा में आ गए, ये वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए था। यहाँ पे आप लिख दें ये टी यू और टी ए, आपका टी यू और टी वी का इक्वल टी ए टी यू हो जाएगा, लेकिन ये पूरा टर्म आपका टी वी नहीं होगा, तो ये टी यू ये आपका टी वी ये नहीं देगा आपका, इसका मतलब यहाँ पे लिख दें टी यू प्लस टी वी इज नॉट इक्वल्स टू टी यू प्लस टी वी, ये आपका टी यू प्लस टी वी इक्वल नहीं आया, हेंस इट इज नॉट इन एल टी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। ओके, तो इसका कुछ रिजल्ट समझ लें आप, ये रिजल्ट आपका कोई काम का आ जाएगा रिजल्ट। मॉडुलस फंक्शन, पहला तो ये है मॉडुलस फंक्शन कांट फॉर्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जब भी मॉडुलस फंक्शन होगा ना तो कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वो नहीं बनता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है एग्जांपल हम देते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, ठीक है ये है, और इसमें दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल्स टू दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है टू एक्स प्लस थ्री वाई। तो आप यहाँ पे देखें एक मॉडुलस फंक्शन है, ये सिंबल जो है मॉडुलस का है, और हम आपको बता दिए कि मॉडुलस फंक्शन कैन नॉट फॉर्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप इसको अगर चेक भी करेंगे तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। तो आपको ये दिमाग पे रखना है कि जब भी आपको पास मॉडुलस फंक्शन दे तो आपको ये दिमाग में रखना है कि वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। रिजल्ट नंबर टू में क्या है, इनइक्वालिटी कांट होल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इनइक्वालिटी दिया हुआ हो तो उसमें भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता है। जैसे आप देखें यहाँ पे इस तरह देखें ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, यहाँ पे दे दिए हैं टी एक्स वाई इक्वल्स टू दे देते हैं हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, या एक्स प्लस वाई कुछ भी देते हैं ग्रेटर देन थ्री, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन ये कुछ भी देंगे ये, तो ये इस तरह का एल टी नहीं बनता। जब भी आप इनको ये सब सिंबल इनइक्वालिटी का होता है, जब इनइक्वालिटी का सिंबल आ जाए तो समझ जाना है कि आपको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता है। तो दो चीज़ हमेशा याद रखें इसमें कि मॉडुलस फंक्शन और आपका एक है इनइक्वालिटी, दोनों कभी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेशन नहीं करता है। बाकी फंक्शन के लिए आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम बता चुके हैं, फिर निकालेंगे उसका चेक करने के लिए, जो आपका चेक करने का जो मेथड होता है उसको चेक करेंगे आप। टी यू प्लस टी वी जो होगा आपका टी यू प्लस टी वी इक्वल टू टी यू प्लस टी वी का इक्वल हो जाए, और टी अल्फा यू प्लस टू अल्फा टी यू का इक्वल आ जाए तो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। तो आप जरूर ये चेक करेंगे कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके थैंक यू।